नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पुराने दोस्त के घर पहुंचे। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना साहिब में, पटना सिटी में, जहां वो पटना के भामाशाह कहे जाने वाले स्वर्गीय ओपी शाह, जिन्होंने कोरोना के दौर में खूब मदद की लोगों की और एक बड़े समाजसेवी थे, उनके निधन के पश्चात भी उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुँचे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में अपने पुराने दोस्त के घर पहुँचे नीतीश कुमार ने, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया, साथ ही साथ समाज सेवा भी की गई। देखिए, उनके ओपी शाह के बेटे हैं गौरव शाह, उनकी बहू भी हैं, आज पिताजी नहीं रहे, 2 साल हो गए, उनकी पुण्यतिथि है। कैसे नीतीश कुमार आए तो उन्हें याद किया, पुरानी बातों को साझा किया? आज हमारे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि है और हमेशा जो है मुख्यमंत्री जी जो है उनके समाज सेवा के प्रति जो उनका लगाव था उसका वो कदर करते थे, आदर करते थे और हमेशा उनको प्रोत्साहित भी करते थे कि जो है, तो आप लोगों ने समाज सेवा के लिए वाटर कूलर जी, तो ये उसी कड़ी में उनकी उनकी उन्होंने जो प्रेरणा दी है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है जितना हम लोग से बन पड़ रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। तो अभी इस ये परियोजना हम लोग किए हैं 15 पटना सिटी के 15 वार्ड में, हर वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर जो है वाटर कूलर लगाने का व्यवस्था की है ताकि भीषण गर्मी में जो आम लोग हैं उन्हें ठंडा पानी मिले। आज के दिन सबसे जरूरी है कि जल तो जीवन है, तो उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो एक प्रयास है कि जो है स्वच्छ और ठंडा जल सबको मिले, इस गर्मी से कुछ राहत मिले। हम देखते हैं अक्सर नीतीश कुमार जब यहाँ आते हैं, दशहरे में भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, और जब ओपी शाह के नाम से वो सामुदायिक भवन बना था तो आपके घर में बैठ के खाना खाया था, शुरू से वो खाते हैं, तो आपके पिताजी से काफ़ी अच्छी नज़दीकियाँ थी। कैसे संबंधों को निभा रहे हैं, पुराने संबंधों को आते हैं तो बोलते हैं कुछ? देखिए, आदमी का परिचय उनके कर्तव्य और उनके द्वारा काम किया गया, उनके कद से नहीं, उनके काम, उन्होंने जो काम किया है उससे उनका कदर, आदमी का जो है पहचान उससे बनता है। तो शुरू से मुख्यमंत्री जी का रहा है कि जो है उनको प्रोत्साहन भी उनको देते थे समाज सेवा के काम करने के लिए, और जब भी वो अच्छा काम करते थे तो वो बड़े खुश भी होते थे और हमेशा जब भी आते हैं तो जो है हमारे यहाँ, तो जब पिताजी थे तो आते रहते थे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से जब वो कोरोना के काल में खुद सड़कों पर आकर मास्क लगाकर ही, लेकिन हर दिन गरीबों तक चावल पहुँचे, आलू पहुँचे, आटा पहुँचे, वो खड़े रहते थे, आप लोग भी रहते थे, लेकिन आप लोगों को वो आदेश देते थे कि देखो पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, बाहर तक आते थे नहीं, लीड वही करते थे हम लोग, सहयोग के रूप में हम लोग रहते थे। अब हमारी हमारी प्रयास है कि जो है उन्होंने जो काम शुरू किया है, जो नाम कमाया है, जो संपत्ति छोड़ी है उसे समाज को, जो काम शुरू किया है उस काम को जो है हम लोग अगले मुकाम तक पहुंचाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, उनकी बहू भी हैं ओपी शाह जी की, गौरव शाह जी की पत्नी है, कैसे याद करती हैं? आपके ससुर जी थे और लंबा सफ़र रहा, कई लोगों को उन्होंने मदद किया, आज जब आप निकलती होंगी तो लोग याद करते हैं, हम भी आते हैं दूर से, मुख्यमंत्री खुद आते हैं, आज भी हम लोग को लोग उनके नाम से जानते हैं, ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। उनके दिखाए गए मार्गदर्शन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पर चल सके जितनी हो सके हम लोग से। दौलत, रुपया, पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन इज्जत जो इज्जत उनकी आज भी है वो उस तक आने तक हमें भी बहुत समय लगेगा वो चीज़ का। हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए बड़ी विरासत छोड़ी है, जो सम्मान कमा के हो गए? बड़ी विरासत है सच में, है हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। नहीं, आज उनके पुण्यतिथि पर भी आपने समाज सेवा के लिए ये वाटर कूलर दान दिया है, लगता है कि हाँ शीतलता लोगों को मिलेगी तो याद करेंगे ओपी शाह को। जी, वही बात है कि कम से कम इस गर्मी, जो इस बार गर्मी पड़ रही है, कम से कम उतने में पानी तो सबको मिलना चाहिए। अंतिम सवाल है, ओपी शाह जी नहीं रहे, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है, उस दौर में उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने खुद मुझे अपने घर पर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कैमरे पर भी बोल सकता हूँ, उन्होंने मुझे घर पर बिठा कर और नाश्ता कराया था कि आप आए हैं कोरोना में, उतनी दूर से पटना के भामाशाह जाने थे। मतलब पैसा तो सबने कमाया, लेकिन दान देने की शक्ति, कमाना रख लेना और कमा कर दूसरों में, आम लोगों में, ज़रूरतमंदों में दे देना, ये कितनी बड़ी पूंजी है। भामाशाह की जो आप कह रहे हैं, तो उपाधि जो दे रहे हैं, तो वो मैं वहाँ इतना नहीं कह सकता कि जो है, लेकिन हाँ उनका प्रयास हमेशा रहा। एक बार उन्होंने कहा भी था कि जो मैं जो करता हूँ उसका गिनता नहीं हूँ, और जो है आप लोग ये अनुमान लगा लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो भामाशाह की उपाधि आप दे रहे हैं तो ये आपकी बड़प्पन है, लेकिन मतलब ओपी शाह को हमेशा नीतीश कुमार ने दोस्त माना, आज भी वो दोस्ती बरकरार है ना, मतलब जीते जीते दोस्ती लोग निभाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो है दोस्ती कोई अपने आदमी के शरीर से नहीं होती है, उनके काम से होती है, उनके कर्तव्य से होती है, जो उन्होंने समाज के लिए किया और उनको जो है लोगों ने पहचाना, मुख्यमंत्री जी ने उनको उनको चाहा, तो ये वहाँ से शुरू हुआ। अंतिम सवाल आपसे भी, मैडम दोस्त हो तो नीतीश कुमार जैसा, जो जाने के बाद भी आए जी, नहीं जी, दोस्त कमाए तो नीतीश कुमार।
जी। देखिए चेहरे पर की मुस्कान बता रही है पुण्य तिथि पर जब नीतीश कुमार खुद घर पहुंचते हैं और बैठते हैं, परिजनों से मिलते हैं, अक्सर आते हैं, और ओपी शाह भले ही आज दुनिया में नहीं रहे लेकिन हाँ उन्हें याद करके नीतीश कुमार भले ही आंखें नम होती होंगी लेकिन पुरानी दोस्ती कैसे निभाई जाती है ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। बढ़ता हुआ पद नहीं, बढ़ता हुआ कद भी जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।